इस योजना के तहत हमने उनको बता भी दिया है कि मुख्यमंत्री ने अभी घोषणा की है कि जो है छात्रावास के लिए भूखंड संस्थाओं को आवंटन किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है आज 4-5 चक्कर हम लगा चुके हैं एडीए में भी और कलेक्टर महोदय से भी, लेकिन कलेक्टर महोदय ने एडीए के जो है मार्फत जो है उसको लेटर को हमारे आगे भेज दिया, लेकिन वहाँ से अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऑल इंडिया मंसूरी समाज के प्रदेश अध्यक्ष रियाज अहमद मंसूरी ने एडीए अधिकारियों पर लगाया आरोप। मंसूरी समाज को छात्रावास के लिए भूमि आवंटन करने की रखी मांग। ऑल इंडिया मंसूरी समाज के प्रदेश अध्यक्ष रियाज अहमद मंसूरी के नेतृत्व में समाज के लोगों ने एडीए अधिकारियों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदेशों की पालना नहीं करने का आरोप लगाते हुए ग्राम नौसर तहसील अजमेर में खसरा नंबर 350 बारानी 3 में छात्रावास के लिए भूमि आवंटन करने की मांग की। मंसूरी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समाजों को रियायती दर पर जमीन आवंटन करने का फैसला लिया, जिसके बाद कई समाजों को भूमि का आवंटन भी कर दिया गया, लेकिन मंसूरी समाज को अभी तक भूमि आवंटित नहीं की गई, जबकि उनकी मांग वर्षों से लंबित चली आ रही है। अजमेर भारत का एकमात्र जिला है जहां धार्मिक स्थल और शिक्षा का अभाव होने के कारण भारत व देश विदेश से छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि मंसूरी समाज के पास अजमेर में ना तो कोई छात्रावास है और ना ही कोई सामुदायिक भवन, जबकि राजस्थान में लगभग 40 लाख मंसूरी समाज के लोग रह रहे हैं। छात्रावास नहीं होने से समाज के छात्रों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मंसूरी समाज शिक्षा से जुड़े छात्र छात्राओं को निःशुल्क सुविधा प्रदान करना चाहता है और शिक्षा को बढ़ावा देना चाहता है, इसलिए सरकारी भूमि ग्राम नौसर तहसील अजमेर खसरा नंबर 350 बारानी 3 की भूमि को समाज को उपलब्ध करा दिया जाए। समस्या ये आ रही है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अभी कई योजनाओं की घोषणा की है आम जन के लिए, लेकिन उन योजनाओं का सही ढंग से निवारण नहीं हो पा रहा है, आम जनता जो है लोगों तक वो योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। हमने भी जो है सीएम साहब से मिलके जो है यहाँ अजमेर में छात्रावास के लिए भूखंड आवंटन के लिए मांग की थी, जिसमें हमने शिक्षा के लिए बच्चों छात्र छात्राओं को निःशुल्क जो है छात्रावास दे सकें, लेकिन आज तक जो है अभी तक हमारा जो है कार्य नहीं हो पा रहा है। हम जो है आईडीए के कई चक्कर लगा चुके हैं और कलेक्टर महोदय को भी हमने कई दफ़ा ज्ञापन दे दिया है और रिमाइंडर लेटर भी दे दिया है, और इस योजना के तहत हमने उनको बता भी दिया है कि मुख्यमंत्री ने अभी घोषणा की है कि जो है छात्रावास के लिए भूखंड संस्थाओं को आवंटन किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है आज 4-5 चक्कर हम लगा चुके हैं एडीए में भी और कलेक्टर महोदय से भी, लेकिन कलेक्टर महोदय ने एडीए के जो है मार्फत जो है उसको लेटर को हमारे आगे भेज दिया, लेकिन वहाँ से अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और हमारी मांग तो ये है कि अजमेर क्या मांगते हो अधिकारियों की लापरवाही? हाँ, ये लापरवाही अधिकारियों की, अधिकारी जो है सही ढंग से जो कार्य नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ जो है सीट खाली पड़ी है यूआईटी चेयरमैन की, उसको जल्द से जल्द भरा जाए ताकि लोगों को आम जन को फ़ायदा हो। पहले जब हमारे भाईती साहब जो यहाँ चेयरमैन थे तो उस टाइम में लोगों को इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था और लोगों के आसानी से काम हो जाते थे। हम चाहते हैं कि वापस से सीट को जो है खाली पड़ी है उसको भरा जाए और यहाँ जो है आयुक्त को जो है चेयरमैन नियुक्त किया जाए और भाईती जैसे लोगों को ही बिठाया जाए ताकि लोगों का कार्य हो जाए आसानी से। वहीं घनश्याम पंचोली ने बताया कि उसके द्वारा तत्कालीन नगर सुधार न्यास में वर्ष 1916 में नियमन की फाइल लगाई गई थी, जिसका आज तक निस्तारण नहीं हो पाया। तत्कालीन नगर सुधार न्यास और वर्तमान एडीए के चक्कर लगा लगा कर उसके जूते तक घिस चुके हैं। सन 16 के अंदर मैंने अपनी नियमन की फाइल लगाई थी, जिसका आज तक निस्तारण नहीं हुआ और मैंने कई बार चक्कर लगा के परेशान हो गया एडीए के यहाँ पे, और ये मेरी रसीदें हैं और ये मेरी वसीयत है और खातेदारी है मेरे पिताजी की, और इसी खसरे में इसमें नियमन हुआ हुआ है, तो फिर मेरे को नियमन करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? सरकार ने जब आदेश निकाल दिए हैं तो उसका पूरा हमें फ़ायदा मिलना चाहिए जनता को, वो नहीं मिल पा रहा है और मिलना ज़रूरी चाहिए। अशोक गहलोत जी ने जो सब स्कीमें निकाल दी, अधिकारी जी ये कहते हैं कि ये स्कीम का पार्ट है, जब स्कीम का पार्ट है
हमने मुआवजा नहीं उठाया, उसमें ये भी लिख रहा है कि मुआवजा नहीं उठाया खातेदारों ने। तो जब मुआवजा नहीं उठाया तो हम छोटा सा प्लॉट नहीं रख सकते, जब हमारी सारी ज़मीनें ले रहे हैं ये लोग, तो हम 200-300 गज की ज़मीन नहीं रख सकते क्या? खातेदार किसान को नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए क्या? सारी ज़मीनें हमारी स्कीम में लोगे आप लोग? जब इसी कचरे में नियमन हुआ हुआ है और इसी कचरे में दूसरा प्लॉट की नियमन हो रहा है, क्यों नहीं दे रहे हैं ये लोग? ये 2016 का लगाया हुआ है मेरा और अभी तक इन्होंने नियमन नहीं किया। हाँ।